स्वागत है आपका दोस्तों हमारे YouTube चैनल में, जिसमें हम आपको रोजाना ऐसे हेल्थ टिप्स और ब्यूटी टिप्स बताते हैं जिससे आपकी लाइफ और हेल्थ दोनों इम्प्रूव होती हैं। दोस्तों आज हम आपको बताने वाले हैं कच्चे पपीते के फायदे के बारे में। जी हाँ दोस्तों, माना जाता है कि पपीता एक लाभकारी फल होता है। इसे आप पका हुआ और कच्चा दोनों तरीके से सेवन कर सकते हैं। दोस्तों पपीते में विटामिन ए, सी, ई, मैग्नीशियम और पोटेशियम भरपूर मात्रा में पाया जाता है। साथ ही साथ इसमें विभिन्न प्रकार के खनिज लवण भी होते हैं। दोस्तों पपीता विटामिन का अच्छा स्रोत माना जाता है, क्योंकि पपीते में विटामिन ए, सी, ई, मैग्नीशियम और पोटेशियम भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं। पका पपीता सेहत के लिए फायदेमंद होता है और खाने में भी सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होता है। पपीते के फायदे तो हम में से ज़्यादातर लोग जानते ही होंगे, लेकिन क्या आपको पता है कि कच्चे पपीते के फायदे के बारे में? कच्चे पपीते के फायदे भी बहुत सारे होते हैं दोस्तों। इसके इस्तेमाल से आप कई बीमारियों को दूर रखने में कारगर होता है कच्चा पपीता। कच्चे पपीते का इस्तेमाल मोटापे, पीलिया और डायबिटीज के रोगियों के लिए भी फायदेमंद होता है। तो चलिए आज हम आपको बताते हैं कि कच्चे पपीते के क्या क्या फायदे होते हैं। दोस्तों कच्चे पपीते में एंटीऑक्सीडेंट और तत्व पाए जाते हैं जो शरीर में कैंसर की कोशिकाओं को बनने से रोकने का काम करते हैं, जिससे कैंसर का खतरा कम होता है। कच्चे पपीते के सेवन से पेट दर्द की समस्या और पेट में गैस की समस्या में आराम मिलता है। इसके साथ ही ये हमारे इम्यूनिटी सिस्टम को भी मजबूत करता है। गठिया के रोगियों के लिए कच्चे पपीते का इस्तेमाल बहुत फायदेमंद हो सकता है। दोस्तों गठिया को ठीक करने के लिए कच्चे पपीते का इस्तेमाल कैसे करें आप? सबसे पहले आप पपीते को पानी में, इसे पानी से अच्छी तरीके से धोकर साफ कर लें। उसके बाद सबसे पहले आप पपीते को पानी में डाल दें। इसके बाद पूरी तरह उबलने से पहले इसे बीच में से निकाल कर एक बार फिर से धो लें और इसके ऊपरी हिस्से को काट कर अलग कर दें। उबलते पानी में इसको काट कर डाल दें। अब फिर 5 मिनट के लिए पानी में डालकर इसे उबाल लें। इसके बाद इसे उबालते पानी में 2 चम्मच ग्रीन टी डाल दें। यह छान कर पानी को अलग निकाल लें और इसका सेवन आप दिन में 2 बार कीजिए। यह आपकी गठिया में बहुत फायदेमंद रहेगा। दोस्तों कच्चे पपीते का इस्तेमाल लिवर और पीलिया के रोगियों के लिए भी फायदेमंद होता है। पीलिया होने के बाद लिवर पर पीलिया का बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ता है और वो कमजोर भी हो सकता है। इसलिए इस स्थिति से बचने के लिए आप पपीते को खाना शुरू कर दें। यदि आपको कच्चा पपीता मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है, उसकी सब्जी बनाकर या चटनी बनाकर भी आप इसका सेवन कर सकते हैं। कच्चे पपीते में मौजूद विटामिन के गुण यूरिन इन्फेक्शन को बढ़ने नहीं देते। यूरिन इन्फेक्शन का खतरा ज्यादातर महिलाओं में देखने को मिलता है, इसलिए उन्हें कच्चे पपीते का अधिक उपयोग करना चाहिए। दोस्तों हड्डियों में दर्द और कमजोरी का कारण विटामिन की कमी हो सकती है। दोस्तों कच्चे पपीते में विटामिन की भरपूर मात्रा पाई जाती है। कच्चे पपीते के सेवन से आपको इस समस्या से छुटकारा मिल सकता है। बढ़ते हुए वजन की वजह से परेशान रहते हैं और वो मोटापे को या वजन को कम करने के लिए तरह तरह के नुस्खे आजमाते हैं। अगर आप भी मोटापे से परेशान हैं तो अपना वजन कम करने के लिए आप रोजाना कच्चे पपीते का सेवन करती हैं तो ये आपके एक्स्ट्रा फैट को बर्न करके आपको स्वस्थ बनाएगा। पर्याप्त मात्रा में विटामिन का इस्तेमाल ना करना इम्यून सिस्टम को कमजोर कर देता है, जिसके कारण आपको कई बीमारियां भी हो सकती हैं। इसलिए इम्यून सिस्टम को मजबूत रखने के लिए कच्चे पपीते का सेवन करना चाहिए, क्योंकि कच्चे पपीते में विटामिन ई, सी और ए भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं। साथ ही साथ इसमें जरूरी तत्व भी होते हैं जो आपके इम्यून सिस्टम को मजबूत करने में मदद करते हैं। डायबिटीज के मरीजों के लिए कच्चे पपीते का सेवन करना काफी फायदेमंद होता है। कच्चा पपीता खाने से खून में शुगर की मात्रा को कम करता है, साथ ही साथ ये डायबिटीज को भी कंट्रोल में रखता है। इसलिए डायबिटीज के मरीजों के लिए कच्चा पपीता काफी फायदेमंद हो सकता है। उम्मीद है आपको हमारा ये ज्ञानवर्धक वीडियो पसंद आया होगा। अगर आप चाहती हैं कि मैं आपके लिए रोजाना ऐसे ही हेल्थ एंड ब्यूटी वीडियोस लाती रहूं, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन के बटन को भी दबा दें। अगर आपका कोई भी सुझाव है तो कमेंट बॉक्स में लिख के हमें जरूर बताएं। धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।